कहाँ से कैमरा है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो थोड़ा भी मास्क उतर ले यार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम लोग आए हैं मुंबई की बहुत फेमस जगह मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सिनेमा। हाँ, मेट्रो थिएटर, जो कि आप सुने ही होंगे कि बम्बई का बहुत बड़ा फेमस मेट्रो सिनेमा है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं गार्डन में। ये देखिए आप यहाँ का, ये जस्ट मेट्रो सिनेमा के जस्ट अपोजिट साइड में है। ये देखिए आपको मेट्रो सिनेमा है, और हम लोग इधर गार्डन में आके बैठे हुए हैं थोड़ा। ये देखिए ये गार्डन है। ये मेरे दोस्त है पंकज। पंकज तेरा मास्क उतार दे, चेहरा दिखा दे तेरा। ये देखिए ये पंकज है, जो कि यूपी का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो अभी हम लोग गार्डन में बैठे हुए हैं मेट्रो सिनेमा के जस्ट अपोजिट साइड में गार्डन है थोड़ा बैठा हुआ। बाकी आपको ये जो तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये मेट्रो थिएटर है जो कि मुंबई का बहुत फेमस थिएटर है। और ये यहाँ पर अभी कौन सी मूवी लगी हुई है आपका? मॉर्टल मूवी तो लगी हुई है दो, लेकिन मेट्रो सिनेमा भी बंद है। मूवी हॉलीवुड का मूवी लगी हुई है। और हम लोग जो बैठे हुए हैं, तो हम लोग ये बस जस्ट ये गार्डन में है बैठे हुए, जस्ट उसके अपोजिट साइड में ये गार्डन है। देखिए ये मेरा दोस्त है पंकज, ये हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए ये गार्डन है, ये छोटा सा गार्डन है। फिर अभी हम लोग अभी CST निकलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको अंडरग्राउंड में एक रोड है वो दिखाता हूँ। वो अंडरग्राउंड रोड से भी हम लोग CST निकलेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे हो पंकज। ये दोस्तों ये अपना अंडरग्राउंड रोड है, ये अंडरग्राउंड रोड। ये जब मैं पहली बार मुंबई आया था तो इस तरह का रोड देखकर मैं थोड़ा ये हो गया था कि इस कैसा है। लेकिन अभी फिलहाल इससे मैं अच्छा खासा परिचित हूँ। तो मुझे ये देखिए, ये लोग थोड़ा देख रेख करते हैं। ये देखिए ये अंडरग्राउंड रोड आपका इधर से उठेगा, एक इधर से भी है, यहाँ अंडरग्राउंड तीन जगह। और अभी हम लोग CST जा रहे हैं, तो शायद CST के लिए इधर से रास्ता है। तो चले, तो दोस्तों आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो हम लोग चलेंगे अभी CST पूरा, अभी टोटल मैं आपको दिखाऊंगा CST का नज़ारा कैसा है। और अभी शाम भी हो गई है यहाँ, तो ये मुंबई में 7:30 बजे शाम हो चुकी है, 7:28 हो गया टाइम। तो अभी शाम हो चुकी है, तो अभी हम लोग CST चलेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, तो मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ का नज़ारा CST का, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ से बस मुंबई मेट्रो सिनेमा से, ये देखिए मेट्रो सिनेमा। और हम लोग ये टनल से नीचे अंडरग्राउंड रोड से हम लोग इधर आ चुके हैं। मेट्रो सिनेमा से CST की दूरी बस चल के 5 मिनट की दूरी है। दोस्तों यहाँ एक कॉलेज भी है जो कि सेंट जेवियर कॉलेज है, जो कि मुंबई का बहुत फेमस कॉलेज है, टॉप 10 कॉलेज है ये। यहाँ आपका बहुत सारे कोर्स हो जाते हैं। जैसे पहले तो मैं इसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ एडमिशन नहीं मिला, तो मैं जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लिया। और ये कॉलेज मैं दिखाता हूँ आपको, ये कॉलेज कहाँ है। तो दोस्तों ये है वो कॉलेज, फिर भी इसकी मंथली फीस, ये एंट्रेंस है उसका, सेंट जेवियर कॉलेज है ये। ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं। तो कॉलेज भी बंद है, अभी सब कुछ बंद है फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन की वजह से। तो हम लोग अभी अंदर भी नहीं जा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल। मैं आपको मुंबई CST दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत फेमस जगह है मुंबई का। और आपको शाम हो जाने की वजह से वहाँ का लुक तो बहुत गजब का देखने को मिलेगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। दोस्तों हम लोग CST पहुँच चुके हैं, मुंबई CST। और ये पानी भी निकल रहा है,
और ये मेट्रो का काम चल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गड्ढा किया है। तो हम लोग तो दोस्तों ये देखिए इधर का भी सी एस टी, ये है सी एस टी। और ये जो ऑफिस है ये कौन सा ऑफिस है? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस है मुंबई का, जो कि मेन हेड ऑफिस है। और इसकी आप खूबसूरती तो देख सकते हैं, लाइट से भरा हुआ है ये। चलो इसकी खूबसूरती मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर वहाँ से देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग अभी सिर्फ वीडियो में देखते रहिए, फिर आपको मज़ा आने वाला है इसकी खूबसूरती की। एक यहाँ भी अंडरग्राउंड रोड है, ये देखिए एक अंडरग्राउंड रोड इधर से भी है। तो हम लोग अंडरग्राउंड रोड से हम लोग नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से ये देखिए ये जो है ये स्टेशन है लोकल स्टेशन, मुंबई की लोकल स्टेशन। पंकज चल वहाँ से देखते हैं। बंद कर दिया क्या अंदर जाने के लिए? हाँ, अरे यार वहाँ से मज़ा आता है यार देखने में। दोस्तों हम लोग ऊपर जाके आप लोगों को दिखाने वाले थे, लेकिन लॉक कर दिया, तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं, इजाज़त नहीं है। नहीं तो फिर हम लोग अगर ज़बरदस्ती जाए तो हम फैला जाएंगे, बहुत बड़ा फैला जाएंगे हम लोग। तो हम लोग बगैर इजाज़त वाला काम नहीं करेंगे, हम परमिशन वाला काम करेंगे, क्योंकि हम भी देश की रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अगर इसके अंदर हम लोग ताला खुल के चले गए तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त फेल आ जाएंगे पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो लोग खड़े हुए हैं इधर। तो देखो दोस्तों ये है मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस, और इसकी खूबसूरती इसकी लाइट से पता चलेगा। और ये जो और वो जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है आपका मुंबई की लोकल स्टेशन, यहाँ से लोकल स्टेशन। और आपको पता है कि सबसे पहले ट्रेन की शुरुआत यहीं से हुई थी मुंबई। और ये बिल्डिंग भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा। किसको? यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया क्या इसको? पूरा साइट जितना पूरे बिल्डिंग में। अच्छा, पूरे बिल्डिंग को। ओके, इस बिल्डिंग की भी खूबसूरती को देख लेते हैं। हाँ इधर से आना। दोस्तों ये अभी ये बिल्डिंग में पूरी लाइट नहीं है, ये बिल्डिंग का खूबसूरती देखो। देखो दोस्तों इस बिल्डिंग की खूबसूरती को देखो आप लोग, क्या गजब की खूबसूरती है। देखो ना इसका भी कितनी अच्छी रहती है इसकी लाइट जो है ना, इस लाइट का कमाल जो है ना बिल्डिंग की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। और बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत मज़ा आता है। लोग यहाँ बहुत फॉरेनर आते हैं, बहुत अदर कंट्री से लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए। ये देखिए ये वाला भी, और आप इधर से इसको भी इसका भी व्यू देख लो थोड़ा। तो दोस्तों अगर आप कभी भी बम्बई पहुंचते हैं और बम्बई की इस खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आप शाम को आइए। शाम को अगर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, शाम को देखने में इसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ आने का मैं बता देता हूँ, आप मुंबई की लोकल स्टेशन में आइए। सपोज अगर आप कहीं अदर स्टेट से आते हैं या फिर कोई अदर जगह से आते हैं तो आप यहाँ पर आइए। मुंबई की लोकल स्टेशन पकड़िए, लोकल स्टेशन पकड़ के आप मुंबई की सी एस टी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आ जाइए, बस वहाँ से निकल के आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। एक विशेष सूचना दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।
कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। फिर हम लोग किसी दिन मिलेंगे एक कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।